हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 8 के नवोदय बैच के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स के। आरएस अग्रवाल की जो बुक है, जो स्टैंडर्ड बुक होती है, इसके सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज जो 1A है, 1A है, जिसके हम लोग 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस के इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरएस अग्रवाल की जो बुक है, 1A बुक है, उसके एक्सरसाइज 1A का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्रेस -3/5 एज अ रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -20 -30 -35 -40। अब इसका क्या मतलब है उसको समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक्चुअल में जो ये तीनों क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लागू होने वाला है वो कॉन्सेप्ट है हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का। तो इसलिए आप लोगों को मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाके कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखिए, वहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद में आप लोग इन लेक्चर्स के जो सॉल्यूशंस हैं, जिनके अंदर हम लोग आरएस अग्रवाल के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, इनको आराम से देखिए और आप लोगों को आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे पहले के बेसिस पे क्या करना है, जैसे -3/5 है, हमें क्या बोला है कि इसके डिनोमिनेटर को हमें कितना बनाना है, माइनस का 20 बनाना है, ठीक है। साथ में ही सेकंड में क्या बोला है, -3/5 के डिनोमिनेटर को हमें कितना बनाना है, माइनस का 30 बनाना है। थर्ड में हमें क्या करना है, -3/5 के डिनोमिनेटर को हमें 35 बनाना है, ठीक है। और इसके साथ ही लास्ट में हमें क्या करना है, -3/5 है, इसके डिनोमिनेटर को हमें माइनस का 40 बनाना है। अब क्या कहना चाहता है उसका मतलब समझो, तुम्हें 5 से क्या बनाना है, माइनस का 20, तो हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों नंबर्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो होगा क्या, जैसे देखो, इसको अगर मैं माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस के 8 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिव का माइनस के 4 से, तो देखो 5 4 20 और प्लस माइनस का 20 बन जाएगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर को -4 से मल्टीप्लाई किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर को भी -4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अब ये जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नया रैशनल नंबर आएगा वो दोनों इसके इक्विवेलेंट ही होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है कि ये वाली चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में समझाइए अच्छे से। तो देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12, यानी कि देखो हमारा एक नया रैशनल नंबर मिल गया जिसका डिनोमिनेटर कितना है, माइनस का 20 है। ऐसे माइनस 30 कैसे बनेगा, अगर 5 को माइनस के 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस 3 को भी माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर तो हो गया माइनस का 18 माइनस माइनस प्लस, 3 6 18, और नीचे कितना होगा, 5 6 30 प्लस माइनस माइनस का 30, हमें यही बनाना था। ऐसे ही 40 वाले को भी करके देख लेते हैं पहले। तो ये रहा देखो, तो 5 को क्या करें, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करो, और माइनस के 3 को भी माइनस 8 से मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर तो हो गया प्लस का 24 और नीचे हो गया माइनस का 40। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे अब 3 से 35 बनाना है, तो इस बार प्लस से ही मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो 5 7 35 बन जाएगा, तो न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन गया कितना, माइनस का 21। तो इसी के साथ हमारा पहला वाला क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिमिलर ये दोनों क्वेश्चंस भी वैसे ही है। इसके अंदर क्या बोला है कि एक्सप्रेस -42/98 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर DENO, का मतलब है यहाँ पे डिनोमिनेटर 7। अब देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे को कम लाना है, यहाँ पे क्या हो रहा था, बड़ा बनाना था, तो बड़ा बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वो सोचना पड़ेगा किससे डिवाइड करें, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा, हमें HCF निकाल लेना है 42 और 98 का। जब आप HCF निकालोगे तो आपको पता चलेगा HCF कितना आएगा, इसका 14 आएगा, तो जो HCF 14 आ रहा है, ठीक है, हम क्या करेंगे अब इसको, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई ये देखो, ये नंबर हमारा लिखा हुआ था, इसको हमें क्या बनाना है, 7 बनाना, तो 98 से 7 कैसे बनेगा, तो इसका जो भी HCF आ रहा है 14, उससे डिवाइड कर दो। देखो 14 7 98 होता है, अगर इसको डिवाइड किया है तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो जो नया नंबर मिलता है रैशनल नंबर, वो भी उसी के इक्विवेलेंट ही होता है। ये हमारा इक्विवेलेंट नंबर्स का, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट हमें समझाता है।
ठीक है। तो यहाँ ऊपर कितने टाइम डिवाइड होगा, माइनस थ्री, नीचे सेवन हो गया, यानी एक नया रैशनल नंबर कितना मिल गया हमारे को, माइनस थ्री अपॉन सेवन, जिसका डिनोमिनेटर कितना बोल करना था हमारे को, सेवन, और ये हमारा हो गया। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका जैसा का जैसा क्वेश्चन ये है, तो यहाँ क्या करना है, माइनस 48 अपॉन 60, इस 60 को हमें 5 बनाना है, तो हमें क्या करना है, इस 48 और 60 का क्या लेना है, सबसे पहले HCF लेना है, तो HCF लोगे तो देखना आप लोगों को पता चलेगा कि 12 आएगा, तो हमें इस 60 को भी 12 से डिवाइड करना है और 48 माइनस के इसको भी 12 से डिवाइड करना है, तो ये माइनस 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो माइनस 4 अपॉन 5 क्या है, वो रैशनल नंबर है जो इसको एक्सप्रेस करके बना है और जिसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने कॉन्सेप्ट वीडियोज में समझाया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रैशनल नंबर की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर जैसे p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, तो p और q इसके बीच में नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। साथ में जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा मेजर फोकस यही है कि दोनों को इस तरीके से सोल्व किया जाए कि दोनों का डिनोमिनेटर पहले तो पॉजिटिव बन जाए और साथ में दोनों के अंदर बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो, तो यहाँ तो देखो इन दोनों क्वेश्चंस में तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारे को वो काम तो करना ही नहीं है। अब क्या करें, तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, 12 और 13 इन दोनों का क्या फाइंड करो, HCF फाइंड करो। जब आप लोग इसका HCF फाइंड करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि HCF कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 वो नंबर है जिससे हम दोनों नंबर्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर। इसके बाद में क्या करना है हमारे को, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लगाना है, इसको भी 6 से डिवाइड कर देना है और इसको भी 6 से डिवाइड कर देना है, तो ये माइनस का 2 आएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे 5। तो माइनस 2 अपॉन 5 वो नंबर है जिसमें 2 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, साथ में इसका डिनोमिनेटर भी कितना है, 5 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे को क्या करना है, 14 और 49 का HCF लेना है। जब HCF लोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आएगा, 7 आएगा। फिर क्या करोगे, दोनों नंबर्स को 7 से डिवाइड कर दोगे, इसको भी 7 से डिवाइड किया, इसको भी 7 से डिवाइड किया, जो नया रैशनल नंबर आएगा वो इसके इक्विवेलेंट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, नीचे आ जाएगा 7, तो ये जो हमारा है रिजल्ट आया वही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे माइनस का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों केसेस में माइनस के हैं, तो इनको पॉजिटिव बनाना है, तो वो कैसे बनाए, तो देखो इस माइनस 64 को हम क्या कर सकता हूँ, पहले काम करते हैं दोनों का, हम ले लेते हैं HCF, तो HCF कितना आएगा, तो देखो मैं निकाल के बता देता हूँ, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 64 का क्या होगा, 2, 28, 2, 14, 2, 7, 7, 1, ठीक है, सॉरी गलत तो नहीं हो गया, यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे 28 नहीं आएगा, 32, 16, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। अब जो कॉमन आ रहे हैं वो देखो, एक कॉमन आ रहा है, दो आ रहे हैं और 3 आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा HCF, तो 2 जा 4, 4 जा 8, तो HCF कितना आ गया, 8। अब देखो अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे ना तो नीचे अभी भी नेगेटिव आएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, ऊपर डिनोमिनेटर को भी माइनस 8 से डिवाइड कर ले, और मतलब न्यूमिनेटर को भी माइनस 8 से डिवाइड कर दे और डिनोमिनेटर को भी माइनस 8 से, इससे फायदा क्या होगा, माइनस माइनस यहाँ पे डिवाइड होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे हमें पॉजिटिव ही तो बनाना था, तो ऊपर तो हो गया माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स कब आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, और दोनों अगर सेम साइन हो तो 8 जा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि माइनस हमारा रिजल्ट कितना आया, माइनस 3/8। यहाँ तो डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, माइनस से तो माइनस डायरेक्ट हो जाएगा, तो आप चाहो तो पहले इसको क्या कर सकते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वो कर सकते हो। अब दोनों का क्या लो, इनका हमारे को लेना है HCF, तो जब आप HCF लेने बैठोगे तो HCF कितना निकल के आएगा, 9, क्योंकि 9 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे हम क्या कर सकते हैं, 36 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 63 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 36 डिवाइड बाई 9, यहाँ हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 9, ये 4 टाइम होगा, ये
9 टाइम हो जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, जिसमें हमने हमारी जो आर एस अग्रवाल स्टैंडर्ड बुक है इसके एक्सरसाइज 1A है, उसके 1 से लेकर 4 तक के सॉल्यूशंस हमने देख लिए। आगे के लेक्चर्स में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। इसके साथ ही आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।